नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। धर्मशाला से एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट न्यूज निकल के आ रही है। आप देख सकते हैं ये जो सीन है काफी डरावना दिख रहा है। हुआ ये है कि जो भागसू नाग इलाका है धर्मशाला का, मैं आपको बता दूं धर्मशाला हिमाचल प्रदेश की कंगरा डिस्ट्रिक्ट में होता है, और कंगरा डिस्ट्रिक्ट में और हिमाचल प्रदेश की और बहुत सी डिस्ट्रिक्ट्स में पिछले कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। तो इस बहुत ज़्यादा बारिश के चलते यहाँ पे एक जो लोकल वाटरफॉल है जिसका नाम है भागसू नाग वाटरफॉल, और इस भागसू नाग वाटरफॉल को अक्सर कर बहुत सारे टूरिस्ट देखने जाते हैं। अगर आप कभी गए हो तो आपने भी देखा होगा, यहाँ पे एकदम से बहुत ज़्यादा पानी का एक्सेस फ्लो हो गया है क्योंकि क्लाउड बर्स्ट आ गया। आप क्लाउड बर्स्ट के फिनोमेना को समझते हो ना। क्लाउड बर्स्ट में क्या होता है दोस्तों कि बहुत ही छोटे समय में एकदम से बहुत ज़्यादा पानी बरस जाता है, इंटेंस रेनफॉल होती है, और उस इंटेंस रेनफॉल के चलते फ्लैश फ्लड्स आ जाते हैं। ये फ्लैश फ्लड्स कैसे आते हैं कि होता ये पानी बहुत ज़्यादा बरसा, हाँ पानी बहुत ज़्यादा बरसा, और जिस जगह पे पानी बरसा माउंटेनियस इलाकों में वहाँ पे क्या है कि कोई लोकल वाटर सोर्स है, जैसे यहाँ पे भागसू नाग वाटरफॉल है। अभी भागसू नाग वाटरफॉल में वैसे कर नॉर्मली कर देखा जाए कम पानी है, बहुत ज़्यादा पानी बरसा तो इस वाटरफॉल में एकदम से बहुत ज़्यादा पानी आ गया। एकदम से बहुत ज़्यादा पानी हो गया तो पानी बहुत तेज़ी से एक बड़ी क्वांटिटी में बहने लगा। अब ये तब डेंजरस नहीं होगा जब इस पानी के रास्ते में ज़्यादा कुछ ना आए और ये पानी आराम से ड्रेन करके डाउनस्ट्रीम चला जाए, लेकिन हमारे माउंटेनियस इलाकों में अनसस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन के चलते पानी के रास्ते में ही बहुत सारा कंस्ट्रक्शन हो रखा है। उसके चलते अगर तेज़ पानी के बहाव के रास्ते में भाई देखिए चीज़ें आएंगी, इंसान आएंगे, बिल्डिंग आएंगी, तो वो ढहेंगी और तबाही मचेगी, और दैट इज़ द प्रॉब्लम। हमारे माउंटेनियस इलाकों में बहुत अनसस्टेनेबल तरीके से कंस्ट्रक्शन हुआ है, और उस कंस्ट्रक्शन के चलते पानी के फ्लो में अगर चीज़ें आएंगी, पानी का नेचुरल आउटफ्लो को अगर आप ब्लॉक करोगे तो ऐसा होगा। माउंटेनियस इलाकों में आजकल बहुत भीड़ होने लगी। देखिए क्लाउड बर्स्ट एक नेचुरल फिनोमेना है और यह नेचुरल फिनोमेना पूरी दुनिया में होता है, लेकिन इस नेचुरल फिनोमेना में अगर कोई लोकलाइज्ड पानी का सोर्स ओवरफ्लो करने लगे और आसपास डेंस हैबिटेशन हो जैसे कि यहां पे आपको नजर आ रही है, तो यह पानी घुस के तबाही भी मचा सकता है। अब आप समझ सकते हैं कि अगर और पानी बरसता चला गया तो ये जो पानी बहता हुआ आपको नजर आ रहा है ये बगल के घरों तक में भी हो सकता है। तो दिस इज बेसिकली क्लाउड बर्स्ट, एकदम से बहुत ज्यादा पानी बरस जाना, एकदम से इंटेंस बारिश होना, और उस बारिश के चलते आसपास के लोकल वाटर सोर्स में पानी ओवरफ्लो करने लगना, तो पानी ह्यूमन हैबिटेशन की जगह से घुस के बहने लगे, उसको आप बोलते हो फ्लैश फ्लड्स। और ये फ्लैश फ्लड्स रास्ते में हर चीज़ बहाते चले जाते हैं। इनको बहुत आराम से हैंडल किया जा सका है अगर हम अपने कंस्ट्रक्शन को सस्टेनेबल तरीके से करें, बट ह्यूमंस ने इस हद तक नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉयट किया है कि इस प्रकार की चीज़ें तबाही मचा जाती हैं। तो ये था इसका छोटा सा एनालिसिस।